आज हम लोग ग्रेना के बारे में पढ़ेंगे। ग्रेना होता क्या है, आइए देखते हैं। ग्रेना, ग्रेना, इसमें आप देखेंगे कि ये जो ग्रेना वर्ड है ये प्लूरल वर्ड है, यानी इसका सिंगुलर क्या हो जाएगा, सिंगुलर हो जाएगा ग्रेनम, और प्लूरल ग्रेना। ठीक है, समझ में आ गया होगा। सिंगुलर इसका ग्रेनम यानी कोई एक ग्रेनम, और प्लूरल क्या हो जाएगा, ग्रेना, बहुत सारे ग्रेनम मिलके ग्रेना बना लेंगे। तो ये हो गया आपका ग्रेना। अब ये आप सेल में क्लोरोप्लास्ट से संबंधित है, यानी प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट के अंदर ये पाया जाता है और ये लाइट रिएक्शन में भाग लेता है, तो ये बहुत ज़रूरी है। तो इसमें एक एक पॉइंट करके लिखते हैं कि ग्रेना किसको कहते हैं। तो पहला पॉइंट लिख सकते हैं, स्टैक्स ऑफ थैलेकॉइड, यानी ग्रेना इज स्टैक्स ऑफ थैलेकॉइड्स, स्टैक्स ऑफ थैलेकॉइड्स को ग्रेना कहते हैं। इसका एक फिगर बनाते हैं, बहुत क्लियर हो जाएगा, ये आप देख सकते हैं, ये बना लेते हैं, इसी में ये आपका हो जाता है, ये आउटर मेम्ब्रेन है, ये इनर मेम्ब्रेन है, अब इसमें ग्रीन से ही बनाते हैं क्योंकि क्लोरोप्लास्ट ग्रीन कलर होता है, ये स्टैक्स ऑफ थैलेकॉइड है। स्टैक्स जैसे आप सिक्का देखते हैं ना, 1 रुपया 2 रुपया 5 रुपया के सिक्के, बहुत सारे सिक्के एक के ऊपर एक रखेंगे तो उसको स्टैक्स बोलेंगे, स्टैक्स ऑफ कॉइन। तो स्टैक्स ऑफ थैलेकॉइड, ये देखने में समझ में आ रहा है। अब यहाँ से जोड़ दीजिए, ठीक है। तो स्टैक्स ऑफ थैलेकॉइड को क्या बोलेंगे, ये एक एक है थैलेकॉइड, एक है उसको हम थैलेकॉइड बोलेंगे, स्टैक्स ऑफ थैलेकॉइड को ग्रेनम बोलेंगे। अब ये 1 2 3, तो इसको हम क्या बोल देंगे, ग्रेना बोल देंगे। ग्रेना कोई एक स्टैक है उसको, चूँकि सिंगुलर में इसको हम क्या बोलते हैं, ग्रेनम बोलते हैं, तो इसलिए ग्रेनम हो गया। और 1 2 3 स्टैक्स ऑफ थैलेकॉइड है उसको क्या बोलेंगे, ग्रेना बोलेंगे। आप देखेंगे इसमें बीच बीच में क्या पाया जाना है, फ्लूइड जेल लाइक लिक्विड पाया जाता है, इसको क्या बोल देते हैं, स्ट्रूमा बोलते हैं, इसको आगे बताएंगे डिटेल में, स्ट्रूमा। और ये जो है इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है, मेम्ब्रेन स्पेस ये बीच में पाई जाती है, तो उसको क्या बोलेंगे, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। और ये लैमेला है, लैमेला जो जोड़ता है उनको, इसको बनाते चलेंगे। ल्यूमन देखेंगे, ये जो बीच में रहता है उसको ल्यूमन बोलते हैं, यानी इनसाइड द थैलेकॉइड, थैलेकॉइड के अंदर जो होता है पार्ट उसको क्या बोलेंगे, ल्यूमन बोलेंगे। फिगर बना लेंगे, फिगर क्या है, ये क्लोरोप्लास्ट का है, यानी ये देखेंगे स्टैक्स 1 2 3, स्टैक्स ऑफ थैलेकॉइड, एक कोई थैलेकॉइड है तो एक के ऊपर एक थैलेकॉइड को चढ़ा देते हैं, चढ़ा हुआ है तो उसको क्या बोल देंगे, ग्रेनम बोल देंगे, स्टैक्स ऑफ थैलेकॉइड इन नोन एज ग्रेनम। और 1 2 3 अगर जो इसमें दिख रहा है तो तीनों को हम प्लूरल वर्ड में ग्रेना बोलेंगे। समझ में आ गया।
ये आपका स्ट्रक्चर हो गया। इसके बाद देखते हैं, दूसरा पॉइंट लेते हैं, ये जो होता है ये बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट होता है। तो लिख सकते हैं कि ग्रेना इज बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट। फिगर भी बनाते चलेंगे और लिखते भी चलेंगे। बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ द थैलेकॉइड, ठीक है। थैलेकॉइड का एक तरह से ये बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट होता है। मेम्ब्रेन नेटवर्क, थैलेकॉइड मेम्ब्रेन नेटवर्क ऑफ प्लांट, क्लोरोप्लास्ट में होता है तो क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, इसको नोट कर लेंगे। यानी ये क्लोरोप्लास्ट में ये पाया जाता है, बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ द थैलेकॉइड मेम्ब्रेन, ये नेटवर्क होते हैं और इसी को क्या बोल देते हैं, ग्रेना बोल देते हैं। तीसरा है आपका, तीसरा पॉइंट देख लेते हैं कि ये किससे जुड़ के बना होता है, उसको क्या बोलते हैं। तो लिख सकते हैं इज, तो ग्रेना इज कंसिस्ट ऑफ फोटो सिंथेटिक यूनिट, आप जानते होंगे, और उसको क्या बोलते हैं, नोन एज क्वांटासोम, इसको भी डिटेल में बता देंगे। इसको क्या बोलेंगे, क्वांटासोम बोलेंगे। तो ये आपका जो फोटोसिंथेटिक यूनिट है उससे मिलकर बना होता है, उसको क्या बोलते हैं, क्वांटासोम। अब देखते हैं इसका फंक्शन क्या होता है, मेन कार्य क्या होता है, तो उसको लिख सकते हैं इससे। अब देखेंगे इसका मेन फंक्शन क्या होता है। तो ये मेन फंक्शन इसमें आप देखेंगे कि अभी शुरू में बताया गया कि साइट ऑफ लाइट रिएक्शन होता है, यानी लाइट के द्वारा इसमें रिएक्शन होता है। और इसको लिख सकते हैं, ग्रेना इज द साइट ऑफ लाइट रिएक्शन, यानी लाइट रिएक्शन का ये साइट होता है ऑफ इसमें फोटोसिंथेसिस। यानी फोटोसिंथेसिस में जो लाइट रिएक्शन की साइट होती है यही होती है ग्रेना। स्ट्रोमा में डार्क रिएक्शन होते हैं, इसलिए लाइट रिएक्शन किस में होता है, तो ग्रेना में। डार्क रिएक्शन किस में होता है, तो स्ट्रोमा में। ऐसे आपके पॉइंट बनते हैं। तो ये क्या हो जाता है, लाइट रिएक्शन का साइट होता है। तो इसको नोट कर लें, बहुत ही अच्छा इम्पोर्टेंट है ये, और कंपटीशन में अक्सर पूछता है। और भी कोई क्वेश्चन है तो उसमें अगर जो पूछता है, तो अगर जिसका नॉलेज है तभी आप उसको अच्छे से कर पाएंगे। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एक तरह से टॉपिक है, इसलिए मैं सोचा कि इसको, बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूज कर रहे थे ग्रेना स्ट्रोमा ये ग्रेनम, तो मैं सोचा इसको अच्छे से बता दें। तो इसको नोट कर लेंगे और फिगर भी बना लेंगे।